Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra, motivational speaker, leadership consultant और business coach. आज मेरा मन था आपसे कुछ भगवद गीता से बात करने के लिए. भगवद गीता क्या है ये पृथ्वी के इतिहास में पहला मोटिवेशनल सेमिनार त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम पहले मोटिवेशनल स्पीकर स्वयं कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, जिसमें अर्जुन पूरे पहले अध्याय में क्या बोलता है, भगवान मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं. फिर अर्जुन क्या कहते हैं, रोम हर्चश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं. अर्जुन ने अपना धनुष भी गांडीव भी नीचे रख दिया, गांडीव इतनी ऐसा घबराया हुआ अर्जुन, इतना टेंशन में अर्जुन, अर्जुन ने डिसीजन लेने को मना कर दिया. देखिए, अर्जुन का एक अपना युद्ध था, आपका मेरा डॉक्टर लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट टीचर हर एक का एक अपना युद्ध होता है. जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो ना, आपके भी जीवन में एक युद्ध है जिसमें इनडिसीजन, जिसमें उस युद्ध को पूरी तरह ना जीत पाना बड़ा डेंजरस है. देखिए, ध्यान दीजिए, काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम की प्लानिंग करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते. तो काम करना किसको कहते हैं, काम खत्म कर देने को काम करना कहते हैं. मेरी बात समझिए, कंप्लीट योर टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट चीज. पहला पूरा अध्याय तो अर्जुन बोलते रहे, लेकिन जैसे ही पहला अध्याय खत्म हुआ उसके बाद कृष्ण ने माइक अपने हाथ में लिया और वो क्रांतिकारी श्लोक जो 5000 साल पहले कृष्ण ने बोला, आज भी बुद्धि चक्र आ जाती है, आज भी दिमाग में बजलियां कौन जाती है. क्या कहते हैं कृष्ण, क्लैब्यम आस्मगम अपार्थ नैतत्वय उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप. क्या कहते हैं, क्लैब्यम आस्मगम अपार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, क्लैब्यम, तुम्हें ये नपुंसकता कहां से आ गई. नैतत्वय उपपद्यते, उपपद्यते मतलब क्या हुआ, शोभा नहीं देता. नैतद नहीं देता, त्वय तुमको, अर्जुन तुमको ये शोभा नहीं देता कि तुम नपुंसक बन जाओ. शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, शूद्र की तरह हृदय की जो दुर्बलता है ना, ये जो तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है इसको छोड़ो अर्जुन, कम ऑन, इसको छोड़ो. त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परंतपा, हे परंतप अर्जुन, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उठो, त्यक्त्वो उत्तिष्ठ, इसको त्याग के खड़े हो जाओ. ये जो कामचोर इंसान होते हैं ना, ये आलस्य कोई अपनी किस्मत मान बैठते हैं. ये जो बैठे रहते हैं ना, ऐसे ही बैठे रहते हैं, बैठे हुए बोले मेरी किस्मत ऐसी, किस्मत ऐसी, इधर अंगूठी, इधर तीन अंगूठी. देखिए, ध्यान दीजिए, कृष्ण क्या कहते हैं, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं, हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है जो तुम डिसीजन नहीं ले रहे. चाणक्य पंडित कहते हैं, आलस्य में दरिद्रता का वास है, आलस करने में आलस करो, आलस मत करो. वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या बोल देता हूं मैं, आलस करने में आलस करो, आलस मत करो. लोग ना काम ना करने के बहाने ढूंढ लेते हैं, भाई इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता. काम ना करने के अगर बहाने ढूंढ सकते हैं तो आप काम करने के बहाने भी तो ढूंढ सकते हो. मेरी दोस्त के दादाजी की बहन के जीजा की जो लड़की थी ना, उनकी मछली मर गई बेचारी, बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बड़ी ट्रेजेडी. अरे काम ना करने के नहीं, काम करने के बहाने रीजन ढूंढो. कितना भी गिरे, कितनी बार भी ठोकर लगे, आज भी जमाना इसी बात से खलता है कि ये आदमी इतनी ठोकर खा के भी सीधा कैसे चलता है. बड़ी जिंदगी में ठोकरें पड़ी, मेरे को भी बहुत ठोकरें पड़ी. ठोकर खाते हुए तो आप मेरे को देख लोगे, ठहरे हुए नहीं देख पाओगे. वन मोर टाइम, कम ऑन, ठोकर खाते हुए देख लोगे, ठहरे हुए नहीं देख पाओगे. त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परंतपा, हे अर्जुन खड़े हो जाओ. जब भी मैं भगवद गीता पढ़ता हूं ताकत आ जाती है जीवन के अंदर. क्या कहते हैं कृष्ण, देखिए कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला, अर्जुन के माध्यम से मेरे को आपको और पूरे संसार को दिया है ये ज्ञान. अर्जुन को तो 5200 साल पहले दे दिया, आपको और मेरे को देने के लिए दोबारा अवतार नहीं लेंगे. यही भगवद गीता आज ही खरीद लो जाकर के और पढ़िए. त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परंतपा. अगर आप भी भगवद गीता संबंधित मेरे लाइव पावरफुल मोटिवेशनल सेमिनार बाउंस बैक सीरीज के अटेंड करना चाहते हैं, इसी नंबर पर फोन करिए और मुझसे मिलने आइए. अगर आप चाहते हैं कि भगवद गीता संबंधित और फ्री वीडियो मैं आपको दूं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए. अगर वीडियो अच्छा लगता है उत्साह बढ़ाइए, लाइक करके सब्सक्राइब करिए और करवाइए. लेकिन इस वीडियो को क्या शेयर कर सकते हैं, देश को बता सकते हैं कि भगवद गीता केवल एक धार्मिक किताब नहीं, ये पावरफुल मोटिवेशनल टूल, एक जीवन जीने की कला. इसको पहुंचाइए आसपास, सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप में शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियो देखने के लिए, दिल से आप सबका धन्यवाद.